में जाते हैं, मंत्रियों के भी ऐसे आरोप है, आरोप से क्या होता है? संजय राठौर होना चाहिए ना, हम तो आप पर भी आरोप करते हैं कि आप भी ऐसे करते हो, संजय की पार्टी रहते उसके बाद ज्यादा करते हो। संजय राठौर के ऊपर गंभीर, इतने सब गांव 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 में इतने सब मुसीबत है, अच्छे काम होते हैं, कहा दिखाती है मीडिया संजय राठौर पे? अरे मैं जब अमेठी गया था राहुल गांधी के गाँव, तो एक मीडिया ने कुछ बताया नहीं, वहाँ घर बांध के दिया, निवारा बांध के दिया, बताया नहीं। बोले निवारा बांध के थोड़ा देना है, घर भड़काए जाएंगे तो हम न्यूज करेंगे। पर सर जिन्होंने आरोप लगाया था और उसके लिए उन्होंने अगर मंत्री देखो उन्होंने देखो ये अभी साबित कुछ हुआ नहीं, ये आप बताने से थोड़ा होता है। उन्होंने खुद मंत्री को छोड़ा था? मैंने छोड़ा नहीं था, वो राजीनामा देने लगाया था, छोड़ा था थोड़ा। पर सर जिन्होंने आरोप लगाया था उन्हीं की कैबिनेट में भी मंत्री बनाया, कहीं ना कहीं गंभीर लगता है। राजकारण तो इसी को तो कहते हैं ना, राजकारण यही होता है। तो मतलब कॉम्प्रोमाइज किया गया है, राजकारण ये सदियों से ऐसे ही चलते आ रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज किया गया है? तुम जिस तरह से पार्टी जैसी चलती है उस तरह से मीडिया बदलता है, उसे नेता भी बदलते रहते हैं, लोग भी बदलते रहते हैं, ये थोड़ा अलग थोड़ा है। तो कॉम्प्रोमाइज किया गया है, मतलब आप ये कह रहे हैं? देखो मैं क्या बोलता हूँ, जो आप बात कर रहे हैं वो यूज ये यूज नहीं है भैया। तुम आप समझो, अगर हमने कितना भी कुछ हुआ तो जो रिएक्शन आना चाहिए ना, तो कहाँ आता है रिएक्शन, कहाँ आता है? और तुम्हारे भी रिएक्शन कितने कहाँ तक रहती है? तुम जो बात आगे लेकर लेके जाना चाहिए देश के हित के लिए, आप कभी लेके जाते नहीं, आप दूसरी बातें उसमें डाल देते हो। लेकिन कल संजय राठौर के मुद्दे को लेकर हमने देखा कि चित्रा वाघ जो भाजपा की नेता है उन्होंने कहा कि मैं अपनी लड़ाई लड़ते रहूंगी। केसरकर जी से हमने जब पूछा तो उनका कहना था कि अगर कोई दोषी है तो उसे कार्रवाई होनी चाहिए। देखो सत्ता से बड़ा कुछ नहीं है, सत्ता सब कुछ है, सत्ता पैसा सत्ता ये समीकरण जुड़ा है पूरे देश के अंदर, और ये तोड़ने के लिए बहुत उनसे और सबको बदलना पड़ेगा। अब आप देखो सबको बदलना पड़ेगा, जब आप नहीं बदले तो ये का बदलेंगे नेता, तुम तो पहले बदलना पड़ेगा। आप बिहार को लेकर सवाल पूछना चाहूँगा, बिहार में जो सत्ता पलट हुआ है, अब बीजेपी कह रही है कि नीतीश ने हमें धोखा दिया। अभी देखो कहीं धोखा देने से पार्टी बड़ी हुई ना, भाजपा रहे शिवसेना रहे कोई रहे, धोखा कौन, बंडखोर नहीं है, बंडखोर कौन नहीं है, कौन नहीं कर रहा है बंडखोर, किसके पार्टी में बंडखोर नहीं, क्या तो बंडखोरों का राज है, जो बंडखोर के आकर के आया उसको पहले मंत्री पद मिलता है। सर महिलाओं को जगह देनी चाहिए कि आपको लगता है कहीं ना कहीं जो पहला कैबिनेट एक्सपेंशन हो, देना चाहिए, महिलाओं को भी जगह देना चाहिए, निर्दलीयों को भी देना चाहिए, आपका भी एक आपके का इसमें का भी एक देना देना चाहिए, ऊपर सबको न्याय मिलना चाहिए। तो कालच विषय झाला, आज आम्ही ते अपंग मंत्रालय आणि पेरणी ते कापणीपर्यंत सगळे कामं MRHS मध्ये व्हावं या दोन गोष्टीसाठी एक मीटिंगच्या संदर्भात केलं। तुम्ही नाराज असल्याची चर्चा आहे, तुम्ही नाराज आहात? नाराजीचा काही प्रश्न येत नाही। म्हणजे भाऊ पण थोडे डिसअपॉइंटेड आहात का की तुम्ही गेल्या सरकारमध्ये राज्यमंत्री होता, यावेळी कुठेतरी अपेक्षा होती का की तुम्हाला मंत्रीपद मिळेल? कारण का तुम्हीही शिंदे गटाला तेवढ्याच लवकर सामील झालेला होता, तुमच्या नंतर जे लोक आले त्यांना आज मंत्रीपद मिळालेली आहेत। असं झालेलं आहे, जो उशिरा आला त्याला पहिल्या पंक्तीत बसवलं गेलं आणि जो पहिले गेला त्याला आता आखीमध्ये बसवलं जात आहे, पण त्याची काही नाराजी नाही आहे, चालू राहतं राजकारणात, कमी जास्त हा बदल फेर चालू राहते, आम्ही तेवढे समजदार आहो अशी कोणती नाराजी नाही। आणि माझं तर असं मत आहे, माझं व्यक्तिगत मत जर पाहिलं तर फक्त मंत्रिपदासाठीच आम्ही तिथे गेलो असं आमचं बिलकुल मत नाही आहे। दिया तो भी भला, नाही दिया तो उससे ज्यादा भला, आम्ही त्याच्यात काही फार बच्चूकडू मंत्री आहे म्हणजेच तो हाय बच्चूकडू असं नाही आहे, मंत्र्यापेक्षा बच्चूकडू महत्त्वाचं आहे। आणि मग त्या पद्धतीनं आम्हाला शिंदे फार काही त्याचं दुःख नाही। सीएम काय बोलले जेव्हा तुम्ही भेटला तेव्हा काय चर्चा झाली? सीएम साहेबांनी सरळ सांगितलं का मी शब्द दिलेला आहे, शब्द पाळणार आहो, मी शब्द पाळणाऱ्यापैकी आहे, दिलेला शब्द मोडणार नाही आणि मला त्याच्यावर आत्मविश्वास आहे। सप्टेंबरमध्ये त्यांनी सांगितलं, आता हा विस्तार 40 दिवसानंतर झाला, कदाचित 10-2.5 वर्षानंतरही होऊ शकतं।
वो खरतर अशा पद्धति में अपन बगतो कि महाराष्ट्र मे शिंदे गट एक बाहर पड़ा बिहार में सद्या हिच परिस्थिति पाया मिलती है। बिहार में जेव हि परिस्थिति ओढ़ावी तो एक भाजपा बड़ा नेता मानने है कि जशा पद्धति ने महाराष्ट्र में गेल है तैयार आम्मी महाराष्ट्र में शिवसेना पोच तुम्हें सुधा शिंदे समर्थक आहत का बोला मला वाटतं कोण कशामध्ये फुललं काय झालं हे ज्यांनी म्हटलं त्यालाच माहिती असेल। आता आम्हाला त्याच्यातलं काही नॉलेज नाही आहे कशी शिवसेना फुलली काय फुलली इतका मोठा आहे नाही मी त्याच्यानं कशी फुलली मला माहीत असतं तर मी तुम्हाला सांगितलं असतं। पवारांनी म्हटलंय की एकनाथ शिंदेंनी शिवसेना हे योग्य नाही आहे प्रत्येकाचं वेगवेगळं मत असतंय। पवार साहेबांचं सारखंच राजकारण शिंदे साहेबांना करावं असं तर काही नियम नाही आहे ना। प्रत्येकाची आपापली वेगळी पद्धत असतं त्या त्या पद्धतीने समोर जातात लोक। शिंदेगट शिवसेनेतून बाहेर पडल्यानंतर जशा पद्धतीने न्यायालयामध्ये तवाप प्रक्रिया चालू आहे त्याच्यामधल्या जवळपास अनेक नेत्यांनी फक्त मंत्रिपदाची शपथ घेतली पण न्यायालयाचा निकाल जर दुसऱ्या बाजूने लागला तर या सगळ्या नेत्यांना काय उत्तर हवं लागेल? मला वाटत नाही न्यायालयाचा निकाल दुसऱ्या बाजूने लागेल म्हणून त्याच्याशिवाय हा सगळा जो आहे कायदेशीर बाजू मजबूत असल्यामुळं आज जे काही ज्या पद्धतीनं अतिशय चांगल्या पद्धतीनं हे प्रकरण समोर नेलं त्यांना न्यायालयाचा निकाल विरोधात लागेल असं काही विषय नाही आहे। मग निवडणुका पुढे ढकलल्या या कारणानं सुप्रीम कोर्टामध्ये आज याचिका जी आहे राष्ट्रवादीने दाखल केलेली आहे ते सांगूनही सरकारनं निवडणुका पुढे ढकलल्या कोर्टाचा अवमान असल्याचं सांगितलं। तुम्हाला माहीत आहे का अतिवृष्टी आहे कशा पद्धतीनं गाव खेळ्यात व्यवस्था आहे आणि अशा वेळेस या अतिवृष्टीत पावसात निवडणुका घेणं हे काही उचित नाही आहे फार चांगली गोष्ट नाही। हिंदी मैं एक सांगा राज्य कोणाचं आहे जो ज्यादा धोखा देगा वो बड़ा नेता होगा सीएम भी बन सकता है। कसा आहे सीएम बनू का पंतप्रधान बनू विषय काय आहे लक्षात घ्या। राजकारणामध्ये जो दवळणार कशा पद्धतीने तुम्ही मार नीतिमत्ता हे सांगत असतो तर जमत नाही। तुम्हाला दवळा लागत राजकारण करावं लागत। देखो जो जिता वही सिकंदर होता आणि मग ते वैचारिक आम्ही विचार को लेके जीते है कि नहीं जीते है बाद में की बात है सर। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है शिंदे जी का लक्ष्य क्या है आम लोगों को वो तो दो बजे तक आम लोगों को मिलते हैं ये बहुत बड़ी बात है उसमें। सर बात एक ये भी सामने आ रही है कि शिवसेना गठ के जो नेता शिवसेना शिंदेगढ़ के जो नेता थे कल जिन्होंने शपथ ली उन्होंने बाला साहेब का ये नहीं किया स्मरण नहीं किया। जब हृदय में राम है वैसे हृदय में बाला साहेब भी है तो इसलिए नहीं नाम लेने से कि आप बहुत नाम लेते हो तो आप क्या उनके हो जाते हो। नाम रहता मुंह में राम और हाथ में सूरी इसे क्या मतलब है। हमारे हाथ में सूरी नहीं है हाथ में काम है रक्तदान खून दान करने वाली है। थैंक यू सर बगल में।